हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। ये जो लुक मैंने आज क्रिएट किया है, ये किया है जैकलीन का मेकअप लुक पानी पानी सॉन्ग से। और गाइस, ये लुक आपको कैसा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। ये लुक बहुत ही प्यारा क्रिएट हुआ है। जब मैं क्रिएट करी तो मुझे नहीं लग रहा था इतना प्यारा क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। और वीडियो आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने लिया है ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, और इससे मैं अपना आई बेस बनाऊंगी, आई मेकअप जो है स्टार्ट करूंगी। पहले हमें कंसीलर से अपना आई बेस बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं सेट कर रही हूँ ये टिनटिन की कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो आप देख सकते हो, आपको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने अच्छे से इसे सेट कर लिया है। देन अब हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर सॉन्ग चल रहा था तो इसीलिए मैं थोड़ा सा नाच रही थी, क्योंकि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये बेला वॉस्टे का काजल प्लस लाइनर। तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। गाइज, आप जरूर परचेस करना एक बारी। स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। आप चाहोगे तो मैं इसका पूरा रिव्यू भी आपको कर दूँगी। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। और इसमें इसे मैंने अपनी लोअर लैश और अपर लैश पे दोनों पे यूज़ किया है। बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि मेरी अभी रिसेंटली में ही मेरी आईज़ में जो लग गई थी थोड़ी सी, तो इसलिए मुझे आईज़ पे ज़्यादा अंदर वर्क करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, डर लगता है। सॉरी, मुश्किल क्या, डर लगता है। तो SFR के पैलेट में से मैं एक ब्राउन शेड लेकर अपनी आईलिड पे लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। हमें धीरे धीरे इसे काम करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी लुक हमें नहीं देना है। तो थोड़ा थोड़ा ही प्रोडक्ट हमें प्लेस करना है। और रिया ने भी इंस्टाग्राम के लिए मेकअप क्रिएट किया था, तो आप उसके इंस्टाग्राम पे भी जाकर देख सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो ऐसे ही लुक क्रिएट करती है इसीलिए। तो इसे मैं अच्छे से अपने आईलिड पर लगाऊँगी, हमें थोड़ा थोड़ा सा प्लेस करना है। उसके बाद मैं ब्लैक शेड ले रही हूँ, और जहाँ पर मैंने काजल का यूज़ किया था आप देख सकते हो, तो उसको मैं ब्लेंड करूँगी। तो ये गाइज स्मोकी आइज़ है, ज़्यादा ब्लैक स्मोकी आइज़ नहीं है, इसे हम ब्राउन स्मोकी आइज़ कह सकते हैं। तो ब्राउन स्मोकी आइज़ है, और इसे अच्छे से धीरे धीरे हमें ब्लेंड करना है। और नीचे की लोअर लैश भी मैं ब्लेंड कर लूँगी, तो नीचे की लोअर लैश भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं एक ब्राउन शिमरी मेटालिक शेड लेकर उसी पर प्लेस करूँगी, जो हमने ब्राउन शेड यूज़ किया है। देन मैं अपने ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट करूँगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट है इसमें ब्राउ बोन, तो आप देख सकते हो। और अच्छे से कोई भी आपके पास हाईलाइटर हो तो आप प्लेस कर सकते हो आईब्रो के नीचे, जस्ट हमें जस्ट नीचे नीचे प्लेस करना है। और आप देख सकते हो ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। आप देखते हो मेरी आंखों में थोड़ा सा चेंज कैसे है, तो वो है लैशेस से। और आज मैंने डबल लैशेस यूज़ की है। और उसके बाद मैंने यूज़ किया है बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। उसके बाद मैंने यूज़ किया है ADS का प्राइमर, जो कि एक एलुमिन प्राइमर है, बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल है। और इसे मैं ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ, तो आप देख सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़ारिश सी होने लग जाती है आँखों पे, क्योंकि लैशेस ऊपर लगती है इसीलिए। तो उसके बाद मैंने यूज़ किए हैं दो फाउंडेशन, एक किया है मैबलिन का, एक किया है स्विस ब्यूटी का, क्योंकि मेरा जो मैबलिन का शेड है वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब डार्कर शेड है, तो मुझे थोड़ा मिक्स एंड मैच करके लगाना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने मिक्स एंड मैच करके लगाया है। तो आपके पास कोई भी ऐसा डार्कर या लाइटर शेड हो तो आप उसको मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हो। और इसे डॉट डॉट करके मैंने लगा लिया है, और अच्छे से मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगी, देन ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि मैं ब्रश से सेटिस्फाई नहीं होती हूँ इसीलिए। और मेरे को कबूकी ब्रश और भी ब्रश मतलब परचेज करने हैं बहुत ही ज़्यादा। मैं ढूंढ रही हूँ कोई अच्छे से ब्रशेस मिल जाए मुझे, तो आप देख सकते हो। और से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। और हाइलाइटर के लिए मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ही कंसीलर, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे लगाया है, और इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ब्यूटी ब्लेंडर से। आप देखोगे शेड में फ़र्क आ गया है। तो गाइस, लाइटिंग में से थोड़ी हिल गई थी, तो मैं काम के दौरान इतनी ज़्यादा इंक्लूड हो जाती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इसीलिए। बट आप देख सकते हो लाइटिंग में थोड़ा सा फ़र्क आ गया इसीलिए। और मैंने नोज़ और कॉन्टोर यूज़ किया है ये NYB का, जो कि मेरा फेवरेट कॉन्टोर है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे,
और अच्छे से ब्लेंड। गाइस मेरे वीडियोस आप देखते हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और उसके बाद मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ ब्लू हेवन का। आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं, तो मेरे पास दो रिक्वेस्ट आए हुए हैं तो उस पर मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाऊंगी, इसीलिए क्योंकि बनाती हूँ तो कोई ट्रेंडिंग आ जाता है, इसीलिए तो इसीलिए मैंने सोचा आज ये वाला बना देती हूँ। मैंने बना के रख रखे थे बट ये डालना पड़ गया। तो आप देख सकते हो मैंने इसके ऊपर पाउडर कंटूर यूज़ किया है क्योंकि मैंने पहले क्रीम कंटूर यूज़ कर लिया था, तो उसके बाद पाउडर कंटूर यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हो इससे बहुत ही प्यारे आपके एजेस लगते हैं, बिल्कुल शार्प फीचर्स लगते हैं आपके, क्योंकि मेरा राउंड फेस है इसीलिए। मुझे और कंटूरिंग करनी थी बट मैंने नहीं किया है इसीलिए। और मैंने ब्राउन शेड अपनी लॉ लैश पे लगाया है तो मेरा आई मेकअप पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया है। देन मैंने आईज़ के इनर कॉर्नर पे वही वाला हाइलाइटर यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो SFR का ब्लश यूज़ किया है मैंने यहाँ पर और बहुत ही अच्छा है। और ये मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है। और थोड़ा सा हाइलाइटर कम लगेगा तो मैं आगे पीछे देख लूँगी थोड़ा सा, इसीलिए। तो आप देख सकते हो लिप्स के लिए मेरे को लिप शेड समझ नहीं आ रहा था तो मैंने दो मिक्स एंड मैच करके लिपस्टिक लगाई है। एक लगाई है काइली की ड्यूप लिपस्टिक है, देन एक लगाई है एरियस की मैट लिपस्टिक। तो दोनों को मिक्स एंड मैच करके, अगर आप चाहें तो शेड्स बना सकते हैं मिक्स एंड मैच करके। आप जो ये शेड देख रहे हैं ये शेड इसका नेचुरल नहीं है, दोनों मिक्स करके लगाया है। और हाइलाइटर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और लगा लिया थोड़ा सा चमक जाऊं इसीलिए। और आप देख सकते हो तो यहाँ पर मेरा थोड़ा थोड़ा मेकअप जो है वो कम्प्लीट हो गया है। थोड़ा थोड़ा क्या यार, ज़्यादा ही हो गया। हाईलाइट को मैं थोड़ा सा ब्राउ और ज़्यादा वो कर लिया है। और आप देख सकते हो खुले वालों में भी अच्छा लग रहा है ना मेकअप, तो आप इसे कर सकते हो किसी पार्टी में, बहुत ही अच्छा मेकअप है। तो अब मैं थोड़ा सा बिंदी बिंदी लगा लेती हूँ जो इसमें लगी हुई है सारी। तो आप देख सकते हो मैंने स्केच लाइनर से बिंदी लगाई है और मैंने ब्लैक बिंदी लगाई है, बट ये मुझे थोड़ी सी छोटी लग रही थी तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया क्योंकि मेरा फेस थोड़ा सा बड़ा है। आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे पर छोटी बिंदी अच्छी लगती है या बड़ी बिंदी अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर बताना प्लीज़, ठीक है। वैसे मैं ज़्यादातर बड़ी बिंदी लगाती हूँ इसीलिए घर में भी। और मैं पहन लेती हूँ ज्वेलरी। और गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो आगे तक ज़रूर देखना थोड़ा सा प्लीज़। अरे हमने मेकअप सेट तो किया ही नहीं, और मेकअप सेट करने के लिए मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अफोर्डेबल है, तो आप ये ले सकते हो अगर आपको कोई मेकअप फिक्सर चाहिए। और ये है मेरा कंप्लीट लुक, आप देख सकते हो। तो अच्छा लगा ये, मुझे बहुत ही प्यारा लुक लगा है। आपको कैसा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।